भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। एक बार जनक जी के, क्योंकि जनक जी को एक बड़ा तत्वदर्शी महापुरुष बताया जाता था, जबकि वो एक राजा के रूप में रहते थे और बड़े से जनकपुर राजघराने के राजा थे, लेकिन को विदेह कहा जाता था। वो तत्वदर्शी है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। एक बार एक दंडी साधु ने आकर के उनसे कहा कि अरे जनक जी, अपने सामने से ये महान पुरुष और ब्रह्म तत्ववेता ये सब नाम हटाओ। जो साधु सब कुछ छोड़कर वन में भगवान का भजन करते हैं, उन महात्माओं के सामने लगाने चाहिए। और आप राजाओं में इतनी सारी रानियों के बीच रहते हैं, सब विषय भोग कर रहे हैं और अपने आप को महान पुरुष बताते हो, शर्म नहीं आती? जनक जी ने जैसे ही देखा, कहा इस आदमी को फांसी की सजा दी जाए, वो भी चौराहे पर। वो सब प्रजा एकदम हक्की बक्की रह गई, ऐसा तो कभी महाराज ने नहीं किया। सभी संतों का बड़ा आदर किया, बड़ा बड़ा उल्टा सीधा लोग बोल देते, फिर भी कभी क्रोध नहीं किया। आज इस महात्मा पे क्यों क्रोध किया? उसने तो कोई गलत बात नहीं कही, उसका तो उसकी जिज्ञासा थी, उसे मिटाना चाहिए था। लेकिन जनक जी ने आदेश दिया अपने जो कर्मचारी थे उनको, जाओ इसको रसोई घर में ले जाओ, जितना भोजन कराना इसे कराओ। रसोई घर में ले गए, आसन बिछा दिया और बड़े सुंदर सुंदर मिष्ठान आदि बनाए, पकवान बनाए, सामने परोसे। वो आदमी खाता जा रहा है, खाता जा रहा, कभी ये खाए कभी वो खाए। जनक जी कुछ देर पश्चात आते और पूछते, भैया भोजन कैसा लगा? बोले महाराज सब ठीक था। बोले ये तो बताओ, ये इतनी सारी सामग्री तुम्हारे सामने लगाई है, इसमें से कौन सा भोजन ज्यादा अच्छा है? क्योंकि जिस सभी लोगों ने अपनी अपनी कलाकारी करके बनाया है, जो ज्यादा पसंद है, क्योंकि तुम मरने वाले हो और मरने वाले जो बोल दे उसको हम इनाम देंगे, जिसने उसको खुश कर दिया। तो जिसने अच्छा बनाया उसकी प्रशंसा करके बताओ, इसमें से कौन सी प्रसादी ज्यादा अच्छी बनी है, तो उसको हम पुरस्कृत करें, क्योंकि उसने तुमको खुश किया है। साधु महात्मा रोने लगे। उन्होंने कहा, महाराज सामने मृत्यु का दर्शन हो रहा है, भूखा पेट था, यहाँ स्वाद वाद का कोई पता नहीं चल रहा है, जो मन में आ रहा है खाए जा रहे, क्योंकि पता चल रहा है मृत्यु होने वाली है, तो क्या स्वाद लें, इसलिए कोई पता ही नहीं चला इतनी सामग्रियों में कि क्या स्वाद है और क्या नहीं है, कौन सी अच्छी चीज़ है कौन सी बुरी चीज़ है, कोई पता नहीं चल रहा। हमारी तो इश्मत ही अपनी मृत्यु पर ही लगी हुई है, पूरा दिमाग वहीं लगा हुआ है। जनक जी ने कहा, हमारा क्षमा चाहता हूँ, यही आपका उत्तर है। मैं भी आपकी तरह, जैसे आप ये मिठाइयों में अपना मन नहीं लगा रहे हैं, आपका चिंतन मृत्यु की ओर है, मैं भी यही नहीं भूलता। ये सारे विषय भोग मुझे कर्तव्य के साथ सौंपे गए हैं, इनको भोगना पड़ा है मुझे, मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरी स्मृति हमेशा मृत्यु पर लगी रहती है, एक दिन हमें जाना है, कुछ प्राप्त कर लो। इसलिए ये सारे जो आपको दिख रहे हैं वैभव, ये मेरे लिए केवल और केवल धापा पूर्ति है कि इनको बस इनकी जिम्मेदारी से हटे। साधु को समझ आया, आज जनक जी ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया और उन्हें विदा किया। तो गृहस्थी और संत अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, अगर वो धर्म का पालन करके अपने गृहस्थ जीवन को लेके जा रहा है तो।